हल है। हरियाणा की 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां 10 सीटों पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। पहली तस्वीर में आप अंबाला में कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा को हराया है रतनलाल कटारिया ने, और असीम गोयल जो कि अंबाला से विधायक है उन्हें आप जश्न मनाते हुए कार्यकर्ताओं के साथ ढोल की थाप पर नाचते गाते हुए देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर है फरीदाबाद की जहां से कांग्रेस के अवतार भडाना को हराकर प्रश्नपाल गुर्जर ने अपनी जीत दर्ज की है। तीसरी तस्वीर सीएम सिटी करनाल की जहां संजय भाटिया ने कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर अपनी जीत दर्ज की है। और वहीं चौथी तस्वीर है कैथल की जहां नायब सैनी के लिए उनकी जीत पर लोग जश्न मना रहे हैं। कैथल कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार थे नायब सैनी और अब कुरुक्षेत्र के सांसद। और हिसार में आप देख सकते हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री के बेटे ब्रजेंद्र सिंह विक्ट्री का साइन दिखाते हुए अपने परिजनों के साथ कार्यकर्ताओं के साथ नजर आ रहे हैं और काफी खुश हैं अपनी जीत के बाद। बता दें कि हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ मतों से सभी 10 प्रत्याशियों ने अपनी जीत दर्ज की है और सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही रोहतक लोकसभा सीट से भी आखिरकार बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की। बता दें कि जितनी भी राउंड की वोटों की काउंटिंग की जा रही थी तो कभी दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे थे, कभी अरविंद शर्मा आगे चल रहे थे और कुछ ही हजार वोटों के अंतराल से जीत ऊपर या नीचे चल रही थी, लेकिन आखिरकार 7,000 वोटों से अरविंद शर्मा ने अपनी जीत रोहतक लोकसभा सीट से पक्की की और इसी के साथ बीजेपी का मिशन 10 फतेह हो गया। तो मिशन 10 फतेह हुआ है और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस की श्रुति चौधरी को हराकर धर्मवीर सिंह ने जीत दर्ज की। फरीदाबाद से कांग्रेस के अवतार भडाना को हराकर कृष्णपाल गुर्जर अपने हुए विरोध के बावजूद भी जीत कर संसद तक पहुंच रहे हैं, और गुरुग्राम में कैप्टन अजय को हराकर राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी के लिए जीत दर्ज की। हिसार से आपको बताया कि कड़ा मुकाबला जेजेपी के दुष्यंत चौटाला से था जहां ब्रजेंद्र सिंह ने उन्हें हराकर अपनी जीत दर्ज की है, और सीएम सिटी करनाल में संजय भाटिया ने अपनी जीत दर्ज की और मिशन 10 को फतेह किया। अब बात करते हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में नायब सैनी ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दर्ज की है। यहां उनका इनेलो और कांग्रेस दोनों के साथ ही मुकाबला था। रोहतक की बात करें तो रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस का जो गढ़ है दीपेंद्र हुड्डा यहां से 3 बार के सांसद हैं उन्हें हराकर अपनी जीत दर्ज की है। सिरसा की बात करें तो सिरसा से भी सुनीता दुग्गल ने अपनी सीट दर्ज की है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को हराकर। सोनीपत की बात करें तो सोनीपत भी कांग्रेस का गढ़ है और यहां से एक बड़ी कामयाबी रमेश कौशिक को मिली है क्योंकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गढ़ है उसी में उन्हें हराकर अपना किला फतेह किया है और मिशन 10 को पूरा किया है भारतीय जनता पार्टी के इन 10 उम्मीदवारों ने।